Welcome to our EBS class, chapter 5, My Family. अब तक जो चार चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने सिर्फ हमारे बारे में ही पढ़ा है, हमारी बॉडी के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, हमारी बॉडी की केयर कैसे करनी है उसके बारे में। और ये अब फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? माई फैमिली। अब फैमिली क्या होती है? हम लोग कहाँ पे रहते हैं? सब एक घर में रहते हैं। घर में किसके साथ रहते हैं? घर में हमारे साथ हमारी मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, अंकल आंट और हमारे ब्रदर सिस्टर। अब ऐसा क्यों नहीं है कि हम अपने फ्रेंड के घर जाके क्यों नहीं रह सकते? हमें हमारे घर में ही क्यों रहना है? क्योंकि हम लोग वो काम उनके साथ, दैट मीन्स हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, इन सबके साथ कुछ न कुछ रिलेशन है, रिश्ता है। तो ऐसे सब सब मिलके जिनका आपस में कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि घर में कोई मम्मी है, कोई पापा है, हम उनके बच्चे हैं, तो दैट मीन्स हम लोगों के बीच में कुछ रिलेशन है, कोई रिश्ता है, इसलिए हम सब आपस में एक घर में साथ में रह सकते हैं। तो वो मेंबर्स मतलब वो लोग, वो मेंबर्स जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है और सब मिलके रहते हैं, एक ही जगह पे मिलके रहते हैं, तब वो होती है फैमिली। क्या होती है फैमिली? जैसे मम्मी पापा और हम बच्चे, दैट मीन्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जब हम मिलके रहते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? एक फैमिली बन जाती है। अब फैमिली कैसी होती है? फैमिली टू टाइप्स की होती है, वन स्मॉल फैमिली एंड अदर इज बिग फैमिली। अब स्मॉल फैमिली में क्या होता है? जैसे कि पेरेंट्स, दैट मीन्स मम्मी पापा एंड चिल्ड्रन, बच्चे रहते हैं, तो वो होती है स्मॉल फैमिली, छोटी सी फैमिली। पर ऐसी फैमिलीज जिसमें दादा दादी भी होते हैं, दैट मीन्स दादा ग्रैंड फादर एंड दादी ग्रैंड मदर, दैट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, उनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब हम बच्चे, एंड हमारे अंकल आंट अगर हो तो वो भी, अगर चाचा चाची, वो सब मिलके हम लोग एक साथ रहे तो वो हमारी फैमिली कैसी हो जाएगी? उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो वो हमारी हो जाएगी बिग फैमिली। तो चलो ये चैप्टर रीड करने से पहले हम कुछ न्यू वर्ड स्टडी कर लेते हैं। नाउ वर्ड नंबर इज एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। फैमिली का मतलब मैंने आपको बताया, जब हम मिलके एक घर में रहते हैं और हमारे बीच में कुछ रिलेशन है, कोई रिश्ता है, तो हम लोग मिलके एक क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। नाउ फैमिली में कौन कौन होता है? तो सेकंड नंबर इज एफ ए टी एच ई आर फादर, फादर मतलब पापा, एफ ए टी एच ई आर फादर। नाउ थ्री नंबर इज एम ओ टी एच ई आर मदर, मदर मतलब मम्मी, एम ओ टी एच ई आर मदर। नाउ फोर्थ नंबर इज सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट वन इज जी आर ए एन डी ग्रैंड, एफ ए टी एच ई आर फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादा, जो हमारे घर में दादा होते हैं उनको ग्रैंड फादर बोला जाता है, जी आर ए एन डी ग्रैंड, एफ ए टी एच ई आर फादर, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब पापा के भी पापा, दैट इज हमारे दादा। नाउ नेक्स्ट इज जी आर ए एन डी ग्रैंड, एम ओ टी एच ई आर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी, मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी, दैट मीन्स पापा की मम्मी, तो वो हमारी क्या हुई? दादी हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। नेक्स्ट इज यू एन सी एल ई एस अंकल्स, अंकल्स मतलब चाचा, यू एन सी एल ई एस अंकल्स, हमारे जो पापा के ब्रदर होते हैं जितने भी, वो हमारे कौन होते हैं? अंकल्स होते हैं, चाचा होते हैं। नेक्स्ट इज ए यू एन टी एस आंट्स, ए यू एन टी एस आंट्स, आंट्स मतलब चाचियां, और एक अकेला आंट बोले तो चाची। नाउ नाइन नंबर इज सी ओ यू एस आई एन एस कजिन्स, सी ओ यू
कजन्स क्या होता है, जो हमारे अंकल्स एंड आंट्स होते हैं, जो चाचा चाची होते हैं, या फिर अंकल मामा को भी बोला जाता है, आंट मामी को भी बोला जाता है, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कजिन्स, वो हमारे कजिन्स होते हैं। नाउ 10th नंबर इज EARNS, आंस। आंस मतलब कमाना। जो हमारे घर में फादर होते हैं, पापा होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका काम क्या करना होता है, उनका काम होता है कि वो पैसे कमा के लेके आते हैं, तो अर्न्स मतलब कमाना, EARNS, अर्न्स, अर्न्स मतलब कमाना। नाउ 11th नंबर इज क्या कमाते हैं, MONEY, मनी, मनी मतलब पैसे, MONEY, मनी। नाउ 12th नंबर इज STUDIES, स्टडीज, STUDIES, स्टडीज, स्टडीज मतलब पढ़ाई। जो मदर होती है वो क्या करती है, वो हमें हमारी स्टडी में, हमारी पढ़ाई में हेल्प करती है। जो मम्मी होती है वो हमें होमवर्क कराती है, हमें कुछ नहीं आता है तो वो हमें समझाती है, तो मदर क्या होती है, वो हमें हमारी स्टडीज में, पढ़ाई में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज COOKS, कुक्स, कुक मतलब पचाना या बनाना, तो मदर होती है वो फूड, खाना बनाती है, कुक करती है, COOKS, कुक्स। नाउ 14th नंबर इज OLDEST, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, OLDEST, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है, अगर स्मॉल फैमिली है तो फादर, और अगर बिग फैमिली है तो ग्रैंडफादर। नाउ नेक्स्ट इज TELLS, टेल्स, टेल्स मतलब बताना, TELLS, टेल्स। नाउ 16th नंबर इज STORIES, स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज, स्टोरीज मतलब कहानी, तो हमें स्टोरीज कौन बताता है, ग्रैंड मदर, जो दादी होती है वो हमें स्टोरीज बताती है, कहानियां बताती है। नाउ नेक्स्ट वन इज OBEY, ओबे, OBEY, ओबे, ओबे मतलब पालन करना या मानना, हमारे बड़े हमें जो भी बोलते हैं वो सब हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, मतलब वो सारी बातों का हमें पालन करना चाहिए या वो सारी बातें हमें माननी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज PARENTS, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, मम्मी पापा दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। नाउ 19th नंबर इज SHARE, शेयर, SHARE, शेयर, शेयर मतलब मिल बांट के करना, जैसे कि कोई भी घर पे काम है तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए, दैट मीन्स मिल बांट के करना चाहिए, और अगर घर पे जैसे कोई भी चीज आती है तो क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम सबको, सबको देते हैं, मतलब मिल बांट के खाते हैं, तो उसमें भी हम शेयर वर्ड यूज करते हैं कि शेयरिंग करते हैं, इसी तरह से हमें काम भी शेयरिंग करके करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज RESPECT, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब इज्जत देना, RESPECT, रेस्पेक्ट। So here we are completing our new words, and in the next part we will read our lesson.